पिछले बार चैप्टर 7 में हम रिलीजन का बात किया था ना, तो इस बार चैप्टर 7 में ये बात करें, क्या द नेशन एंड इट्स लॉज, यानी देश और उसका नियम। जैसे ये बेसिक क्लास में लोग बार बार बात कर चुका है ना कि मेन आजकल बहुत ज्यादा काफी सारा प्रॉब्लम हमारे दुनिया में इसीलिए आ रहा है क्योंकि हम लोग एक दूसरे को ह्यूमन नहीं देखा ना, या तो रिलीजन बीच में आ रहा है या नेशन बीच में आ रहा है ना, तो उसी चीज पे आज हम नेशन पे बात करेंगे। तो जैसे इस पे हमने बात किया कि नेशन कैसे बना धीरे धीरे, पहले ट्राइब सिस्टम होता था, फिर धीरे धीरे क्या आया ये मोनार्की यानी राजा किंग क्वीन वाला सिस्टम, उसके बाद एम्पायर यानी एक राजा का बहुत सारा किंगडम जैसे ब्रिटिश एम्पायर स्पैनिश एम्पायर ये सब, और धीरे धीरे वहां से फिर मॉडर्न जो नेशन बन गया नेशन स्टेट, जिसमें क्या होता है एक लीडर होता है ज्यादातर डेमोक्रेटिक यानी कि वोट करके गणतंत्र इलेक्शन हो के लीडर आता है। एम्पायर EMPIR की एम्पायर यानी जैसे सम्राट होता है ना वो साम्राज्य है शायद एम्पायर। तो अभी जैसे हम डेमोक्रेसी पे वोटिंग वाला सिस्टम पे है तो इन सिस्टम से शायद अच्छा है, पहले बस एक राजा रूल करता था लेकिन एटलीस्ट अब चूज करता है ना वोट देके, तो आइडिया तो अच्छा है लेकिन मोनार्की MONARCHY वो आइडिया तो अच्छा है कि आप वोट देते हैं अपना लीडर चूज करता है, लेकिन असल में क्या होता है कैसा लीडर आप लोगों को मिलता है, वो काम किया आपके लिए कुछ नहीं ज्यादा ऐसा तो कुछ वो नहीं है। तो और वही और इसके चलते चलते इस सिस्टम से क्या क्या है, कई हमारे दुनिया में वर्ल्ड वॉर हो गया है, कंट्रीज आपस में लड़ा है, कंट्री के अंदर भी वॉर होते रहते हैं सिविल वॉर है ना, एक पार्ट कंट्री का दूसरे पार्ट से लड़ रहा है, जैसे इंडिया का नॉर्थ ईस्ट में चल रहा है, छत्तीसगढ़ ये सब में चल रहा है, न्यूज में देखा होगा कभी नक्सल नक्सल जो होता है हाँ ये सब फ्रॉड चल रहा है ना, और क्या है कभी भी लड़ाई हो जाता है हिंदू मुस्लिम का राइट्स होता है, लास्ट जैसे 2002 में काफी बड़ा राइट हुआ था आपको याद है गुजरात में 2002 गुजरात में हिंदू मुस्लिम राइट्स वाला राइट्स यानी कि लड़ाई है। और खूब सारा करप्शन है ना, सिस्टम ऐसा बना है पैसा सरकार खूब लगा रहे लेकिन वो वेस्ट हो रहा है काम नहीं होता है, करप्शन है बहुत ज्यादा, जैसे अगर यहाँ से क्या है अगर पीएम और ये सब मिनिस्टर का ये लोग यहाँ से बोलता है कि उड़ीसा में क्या ये वाला रोड बनाने के लिए 10 करोड़ रुपए, उसके नीचे फिर क्या है आईएएस ऑफिसर सेंट्रल, उसके नीचे फिर उसका सेक्रेटरी, उसके नीचे ये यहाँ, उसके बाद फिर उड़ीसा पहुंचे कॉन्ट्रैक्टर लेबरर, जब तक वो यहाँ यहाँ तक आएगा पैसा शायद बस 50 लाख आएगा रोड बनेगा, बाकी 9.5 करोड़ सब ने अपना अपना जेब में डाल लिया थोड़ा थोड़ा है ना, पुलिस है ये सब है, तो यही सब प्रॉब्लम आ रहा है हमारे इस सिस्टम में है ना, तो इन चीजों पे आज बात करेंगे। डायरेक्ट देना था वो लेकिन डायरेक्ट कैसे देगा, कुछ नया सिस्टम सोचना पड़ेगा अभी तो नहीं हमारे पास है ना। नेशन वैसे है क्या, ये सिस्टम है क्या नेशन का, आप जैसे मैप देख रहे हैं वर्ल्ड मैप में, तो वर्ल्ड मैप में तो आपको बहुत अच्छे से दिख रहा है जैसे यहाँ पे ऐसे इंडिया बना है, है फिर यहाँ पे ऐसे पाकिस्तान बन गया है, यहाँ पे अफगानिस्तान है, यहाँ पे बांग्लादेश बर्मा ये सब है ना, तो बहुत सुंदर लगता है ऐसे, हाँ नीचे श्रीलंका, तो बहुत सुंदर सुंदर लगता है ना ऐसे लाइन बना हुआ, लेकिन कभी बॉर्डर देखा है नहीं देखा ना। अच्छा श्रीलंका अभी उड़ीसा और आंध्र का बॉर्डर देखा है, अच्छा ठीक है, तो आपको क्या लगता है बॉर्डर में क्या होगा, गेट और क्या होगा, तो माउंटेन, हाँ माउंटेन,
हाँ बोल सकते हैं माउंटेन, अगर हाँ चाइना इंडिया नेपाल बॉर्डर में माउंटेन्स है हाँ, लेकिन यहाँ तो नहीं है। कैसा पता है इंडिया बॉर्डर? हाँ वही मैं पूछ रहा हूँ, कैसे पता लगेगा? हाँ कैसे पता लगेगा? कैसे पता लगेगा एक बॉर्डर से दूसरा बॉर्डर में आ गया? यहाँ पे तो मैं और मैप में तो बहुत ऐसे अच्छा लाइन बना हुआ है, असल में जैसे आप उड़ीसा से अगर आंध्र प्रदेश जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा कुछ बाउंड्री कुछ गेम। हाँ यानी स्टेट बॉर्डर में तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पे जैसे हाँ इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर में बाउंड्री ये सब बना होगा, लेकिन जगह सेम है यानी इंसान ने बनाया है, यानी जगह वहाँ पे भी वैसे ही घास उग रहा होगा, यहाँ पे भी वैसे ही घास उग रहा है, लोग भी वहाँ पे वैसे ही है। इंडिया और पाकिस्तान के लोगों में ज्यादा कोई डिफरेंस है, लैंग्वेज सेम है ना, बस वो हिंदी उर्दू का मिक्स बना दिया लेकिन सेम है। वैसे ही यहाँ पे भी बांग्लादेश और बंगाल के लोगों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बॉर्डर बन गया है लेकिन है। कोई वजह से कभी भी आप उड़ीसा से आंध्र प्रदेश जा रहा होगा या उड़ीसा से बंगाल जा रहा होगा तो ऐसा नहीं है कि जैसे ही आप उड़ीसा का ये बॉर्डर है, यहाँ पे उड़ीसा है यहाँ पे बंगाल है, तो जैसे ही आप बस से इधर जाएगा या फिर चल के जाएगा एकदम से सब कुछ बदल जाएगा, वैसे ही होगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। थोड़े टाइम बाद यहाँ पहुंचेगा तब जाके आपको कहीं पे बोर्ड मिलेगा कि वेलकम टू बंगाल या वेलकम टू कलकत्ता, तब समझ में आएगा। तो बॉर्डर ये सब बनाया गया, मैं ये बोल रहा हूँ, पॉइंट समझ आए। इंडिया नेपाल बॉर्डर में ये ऐसा कुछ ज्यादा है नहीं, लोग जाते हैं वापस आ जाते हैं। स्वेज के नाम तो कहीं और है ना, स्वेज के नाम कहाँ है? अमेरिका। हाँ तो वो क्या, वो बीच में एक जगह है बस जहाँ से शिफ्ट जा सकता है। हाँ तो जैसे नेपाल का बॉर्डर है, इसमें आप सुबह जाएगा शॉपिंग करके वापस आ सकता है रात को, ठीक है? तो कुछ हो नहीं है। तो बॉर्डर में बेसिकली पॉइंट ये है कि जो भी कंट्री है सब है हमने बनाया है, जैसे एक इंडिया और इसका जब पहले तो सेम कंट्री था ना इंडिया पाकिस्तान, तो ये बॉर्डर जो बोलता है इसको रेड लाइन करके ये 1947 में ही बनाया गया था। इसको कैसे बनाया था, क्या आपको क्या लगता है कैसे बनाएंगे, कैसे डिसाइड हुआ कि जैसे पहले ये है ना पूरा, अभी इंडिया और पाकिस्तान सेम है तो यहाँ पे कुछ लाइन नहीं है। आप बोल रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान डिवाइड करना, तब से ये एक ऐसे ऐसे लाइन बन गया, ये लाइन कैसे बना होगा, कौन डिसाइड किया? पाकिस्तान, इंडिया ने किया, ब्रिटिशर डिसाइड किया था। ब्रिटिशर ने एक इंजीनियर भेजा जो इंडिया पाकिस्तान जानता भी नहीं था, वो आया उसने अपने तरफ से मैप लिया। हाँ बैटन हाँ तो बोलो ना, मुझे बोलो ना। तो कुछ ऐसा नहीं था कि वो इंडिया जाता पाकिस्तान जाता था, वो देखा उसने मैप उसके टेबल में पड़ा था, वहां पे उसने ऐसे कर करके पूरा एक ऐसा लाइन बना लिया। कई लोगों का ऐसा था, जैसे एक दो स्टोरीज भी है कि किसी का घर बिल्कुल बॉर्डर के बीच में था तो उसका घर तोड़ना पड़ा, आधा घर इंडिया में हो गया आधा घर पाकिस्तान में हो गया, है ना? तो ये बॉर्डर ये सब बेसिकली इंडिया इंसान बनाता है, कोई अर्थ में कोई एक ऐसा नहीं है कि लाइन बना हुआ है ना, ये ध्यान में रखना, ठीक? इसी के चलते ये सब चल रहा है। और कई बार जैसे इंडिया पाकिस्तान जैसे बहुत सारा और भी देशों में सेम लोग है, सेम लैंग्वेज बोलता है, सेम कल्चर है, सेम शक्ल है, सब कुछ सेम है, लेकिन बीच में एक बॉर्डर बना दिया और अलग अलग कंट्रीज बन गया है ना। और क्या है, लीडर लोग बैठ के रूल्स बनाता है और बोलता है कि इसके साथ लड़ेगा इसके साथ नहीं लड़ेगा, इसके साथ ट्रेड करेगा, ट्रेड समझ ना व्यापार, ट्रेड ट्रेड करेगा इसके साथ नहीं करेगा, ये सब चल रहा है। जैसे हम लोग अलग करता है वैसे ही बॉर्डर भी अलग कर रहा है। जैसे अभी आप सीधा कोई किसी भी देश जाना नहीं जा रहा, आपको पासपोर्ट चाहिए, वीजा चाहिए, ये सब चाहिए ना, तो अलग अलग कर रहा है हम लोग।
बल्कि अब जब बार बार हम बात कर रहे हैं प्लैनेट का भी हालत खराब हो रहा है, एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, प्लैनेट को हमको साथ मिलकर काम करना है, लेकिन अभी भी हम लोग अलग अलग रह रहे हैं। लेकिन बात ये भी आ जाती है कि लोग भी है, हम हर चीज बस गवर्नमेंट को नहीं बोल सकता है, हम लोग हर चीज बहुत आसानी से बोल देते हैं कि गवर्नमेंट नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा, हम लोग फिर तो कुछ नहीं कर रहे है ना, जिस तरह का जो पब्लिक है उसी तरह का गवर्नमेंट मिलता है ना हमेशा, तो पब्लिक भी अगर नहीं करेगा तो गवर्नमेंट भी वैसे ही मिलता है ना। अगर हम लोग सही में सब अपना अपना नॉन वायलेंट किसी एक दूसरे का हार्म नहीं कर रहे हैं, किसी एक दूसरे को तंग नहीं कर रहे हैं और सब अपना काम कर रहे हैं, तो शायद हमको ऐसा रूल्स ये सब का ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ेगा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, याद है हाँ, यानी मतलब हाँ मतलब जैसे ये क्या रूलर राजा या पीएम या जो भी और या गवर्नमेंट और ये पब्लिक, इन दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट है क्या, हाँ रूलर यानी राजा गवर्नमेंट जो भी रूलर जो राज कर रहा है अभी, हाँ तो अग्रीमेंट क्या है, अग्रीमेंट क्या है इन दोनों के बीच, हाँ क्या अग्रीमेंट, किस चीज का अग्रीमेंट है, जैसे गवर्नमेंट पब्लिक को बचाएगा, पुलिस देगा, सिक्योरिटी देगा, उसके बदले में पब्लिक क्या करेगा गवर्नमेंट के लिए, टैक्स देगा, काम करेगा, ये सब करेगा ना, तो वही अगर सब कोई अपना अपना यानी एक दूसरे को सही से रहेगा तो शायद इस पर रोक नहीं पड़ेगा, फिर पब्लिक के आस पास भी इंडिविजुअल, यहाँ पे एक आदमी है, यहाँ पे दूसरा आदमी है, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा, इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा, मैं तुमको तंग नहीं करेगा, तुम मुझे तंग मत करो, सिंपल। रविंद्रनाथ टैगोर ने वो क्या किया था, कैसे नाम था, क्या किया था वो, जैसे पेट्रियोटिज्म का मतलब समझता हूँ, पेट्रियोटिज्म P-A-T-R-I-O-T-S, देशभक्ति, हाँ पेट्रियोटिज्म बेसिक देशभक्ति, रविंद्रनाथ टैगोर बेसिकली बोल रहा था कि ये जो देशभक्ति भी हमारा एक और बेसिकली हम लोग क्या है अपना जो इम्पोर्टेंस है अपना आइडेंटिटी, हम लोग हमने बात किया था कि बाहर बाहरी चीजों में देखता है ना, जैसे कि क्लास में ढूंढता है या फिर अपना हेयर स्टाइल में या फिर क्या है पैसा में गाड़ी में ये सब में देखता है, तो टैगोर का मानना था कि वैसे हम लोग देश से अपना आइडेंटिटी लेने का कोशिश कर रहा है, इससे क्या होता है जैसे देश में तो बहुत कुछ हुआ है, एक हिस्ट्री है देश का, एक तरह का क्या है स्टोरी रहा है, आगे भी चल रहा है देश, है ना, बहुत कुछ हो रहा है, बहुत बड़ा चीज है ना, लेकिन उसमें क्या कर रहा है एक आदमी जो खुद से कुछ नहीं कर रहा है लेकिन वो इंडिया इंडिया करके उसको लगता है मैं भी बहुत कुछ कर रहा है, समझ रहे, जैसे जो भी लोग ऐसे जो क्या राइट जो दंगा कर दंगा समझता है राइट राइट दंगा, खासकर जैसे रिलीजियस जो लड़ाई होता है जैसे हिंदू मुस्लिम या क्रिश्चियन मुस्लिम इनके बीच में तो राइट बोल रहे उसको, तो जो लोग ज्यादातर राइट मैंने कर रहा होता है जो सबसे ज्यादा पूछ रहा होता है कि पाकिस्तान को मारना है पाकिस्तान को मारना है, वो यूजली वो लोग है जो जिनको कुछ काम नहीं वो कुछ नहीं कर रहा होता है वो वेला होता है,
जिसका जो अपना कुछ काम होता है वो अपना काम कर रहा होता है. जो लोग आपको टीवी पे दिखते हैं जो बार बार बोलते हैं रोड पे एक महीने के लिए घूमता है कि पाकिस्तान को मारना है, वो लोग ऐसा है जो खुद कुछ नहीं करता है, समझ रहा. तो इसलिए उनको वो चाहते कि देश के साथ. एक और एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे अभी आप लोग का यहाँ पे स्कूल का क्या आइडेंटिटी, स्कूल में क्या आइडेंटिटी आप लोग का, क्या पहचान है, कौन से क्लास, टेंथ है ना, टेंथ बी, टेंथ ए, टेंथ बी, टेंथ. तो वैसे हो सकता है कि जैसे बहुत यहाँ पे जैसे कोई लड़का है जो फर्स्ट आता है सेकंड आता है उसका एक बोलेगा हाँ ठीक है ये लड़का स्मार्ट है, ये कोई है जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है. लेकिन काफी ऐसा लोग हैं जो यानी जो अपना टैलेंट दिखाता नहीं है, चुपचाप से शायद ड्राइंग करता है जो भी, या फिर वो ज्यादा कुछ नहीं करता है अपना चुपचाप बैठता है. तो उनका आइडेंटिटी में क्या है, उनका अपना आइडेंटिटी की जगह वो हमेशा क्लास 10 स्टूडेंट रहेगा ना, जो अपने से खुद से कहीं नेशनल से कोई मेडल लेकर आया या फिर फर्स्ट आ रहा है उसको शायद जो बाहर से लोग आते हैं प्राइज देने या कोई बोलेगा अच्छा तुम्हारा नाम क्या है, उसका अपना अलग आइडेंटिटी बन जाएगा. लेकिन बाकी जो बच्चा डांटता रहता है जो चुप चुप रहता है कोने में, उनके लिए वो हमेशा क्या रहेगा, क्लास 10 का. तो वैसे जो इंडिया का भी बात कर रहे हैं, नेशन का यही बात हो रहा है कि जो लोग बहुत लोग होते हैं ऐसे इस चीज का अपना आइडेंटिटी जोड़ रहा है बड़ी चीज से, खुद चाहे ज्यादा कुछ ना गिर ना. और इसी के चलते एक आर्मी का बात आता है, आर्मी नेवी एयरफोर्स. पहली बात तो क्या, जो भी आर्मी में जा रहे हैं चॉइस है ना, हमारे देश में जरूरी नहीं है. कुछ कुछ देशों में होता है कि जो भी आप 18 साल का हो जाए आपको आर्मी में जाना जरूरी है, इसराइल वगैरह और भी कई देश है. हमारा देश में चॉइस है, अगर आप नहीं जाना चाहते तो आपको कोई जबरदस्ती नहीं डालेगा ना आर्मी में. और क्या है, जॉब है एक तरह से, सैलरी मिलता है ना आर्मी वालों को, और खूब सारा उसके अलावा बहुत चीजें मिलता है. तो लेकिन अब आप लोग आजकल न्यूज में देख रहा होगा जब भी वो आर्मी का बहुत ज्यादा, यानी आर्मी को भगवान की तरह माना जा रहा है ना, कि आर्मी हमेशा सही करते हैं, जो भी अगर आर्मी में सवाल उठाएगा तो उसको यानी डरा ही देगा या फिर ये सब करेगा. हाँ ये भी एक प्रॉब्लम है. ठीक, आर्मी ठीक है काम कर रहा है देश का बॉर्डर बचा है. आर्मी नहीं होगा तो क्या होगा पता नहीं, जब नहीं होगा तभी पता लगेगा. अभी तो हर देश के पास आर्मी है, आर्मी रखना तभी बंद हो सकता है ना अगर सारे देश एक साथ बोलेगा कि हमें आर्मी का जरूरत नहीं है. अगर आप बस मान लो बस इंडिया बोलेगा हमें आर्मी नहीं चाहिए, हाँ, या फिर अगर पाकिस्तान बोलेगा तो हम लोग अटैक कर देगा है ना, तो साथ तो लेके ही ये डिसीजन हो सकता है. हाँ तभी होगा, तभी फायदा. नहीं तो अगर अमेरिका बोलता है कि मुझे आर्मी मैं नहीं रखूंगा आपसे कल से, तो हो सकता है उस पर कल ही रशिया अटैक कर देगा. लेकिन ये प्रॉब्लम है, जैसे आर्मी को हम लोग समझ लिया कि वो लोग हमेशा सही करता है, हमको नहीं पता है वो चीज असल में वहाँ बॉर्डर में, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर में क्या हो रहा है हमको नहीं पता है. जिस तरह से हमारा न्यूज हमको बताता है कि पाकिस्तान लोग अंदर आ रहे हैं हमारे देश में और हम उनको मार रहे हैं, हो सकता है पाकिस्तान का न्यूज उनको उल्टा बता रहा है कि इंडिया वाला लोग आ रहे हैं उनका देश के अंदर और वो लोग मार रहे हैं. तो ये चीजों पे मैं बस ये बोल रहा हूँ कि इन पे भी आप सवाल उठाना चाहिए. ये बहुत गलत एटीट्यूड आ रहा है आजकल हमारे देश में कि आर्मी हमेशा सब कुछ सही करती है, उनसे कुछ सवाल नहीं उठाना. यानी बाकी लोग क्या है, जो किसान है, फार्मर है या डॉक्टर है या कोई भी आदमी जो अपना सही से ईमानदारी से काम कर रहा है वो क्या कम है क्या, वो भी देश को एक तरह से कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, टीचर फार्मर जो भी. जैसे एक आपको बात है कश्मीर का, कश्मीर में क्या हो रहा है, पाकिस्तान भूल जाओ, कश्मीर में क्या हो रहा है आप लोग, हाँ इसको है, आप लोग समझते हैं कि वहाँ कश्मीर में आर्मी का लोग हमारे लोग को बचा रहे हैं, हाँ, लेकिन कश्मीर का लोग असल में इंडियन आर्मी नहीं चाहता है. वहाँ पे इंडियन आर्मी वहाँ पे बहुत कुछ हो सकता है टेररिस्ट से बचा रहे, लेकिन वहाँ के लोकल लोग को भी बहुत तंग करता है, वहाँ पे वो लोग कई जो लोकल लोगों को मारता है वो बहुत कुछ करता है. वैसे नॉर्थ ईस्ट आसाम मणिपुर ये सब राज्यों में आर्मी जाता है रेप करता है औरतों का, आर्मी के लोग मारता है वहाँ के लोकल लोगों को, क्योंकि उनके लिए सेम है
कौन टेररिस्ट है कौन नहीं पता करता, पकड़ के ले जाता है। मेरे काफी दोस्तों ने मुझे अपना कहानी बताया जो नॉर्थ ईस्ट है, तो हमेशा मैं वही बस इतना बोल रहा हूँ कि आदमी में भी जैसे नेशन रिलीजन पे आपको बोल रहे हैं कि कुछ भी आग बंद करके नहीं मान रहे सवाल उठा रहे, वैसे आदमी पे भी सवाल उठा रहे बस, है ना। असल में वहां क्या हो रहा है आपको नहीं पता, बस इतना बेसिकली जो ना क्यों मारेगा, आप मार सकता है ना, मार सकता है। अभी कल तो यहाँ अगर उड़ीसा में वॉर हो गया है कुछ टेररिज्म के नाम पे कुछ हो गया तो आप मार सकता है, जैसे छत्तीसगढ़ में ये सब हो रहा है, छत्तीसगढ़ ये बस्तर नाम का जगह है। अब ऐसा आप लोगों के पास इंटरनेट आ गया तो कभी हमेशा बार बार करके लेकिन गूगल पे एक बार सर्च करना शुरू करो बस्तर नाम का इस जगह में, बस्तर BASTAR, तो वहां पे क्या है जैसे एक जगह बस्तर स्टेट है BASTAR, तो यहाँ पे जैसे विलेजेस है, ये जो आप बार बार शब्द समझते नक्सल नक्सल माओवादी की है ना, है चाहिए पाकिस्तान, नहीं बिल्कुल गलत, पाकिस्तान को तो बिल्कुल अलग है। हाँ हाँ, पहली बात तो अपना ही सिटीजन है वो भी इंडिया का नागरिक है, बाहर से नहीं आया। आतंकवादी अलग है, आतंकवादी वो है ठीक है जो पाकिस्तान से आ रहा है या फिर चाइना से आ रहा है दूसरे देश का, इसको वो टेररिस्ट बोलता है, इसको बोलते हैं इंसर्जेंसी, इंसर्जेंसी INSURGENCY अलग है। हाँ आतंकवादी, देखो एक बार सुनो ये शब्द भी ना बहुत रिस्ट्रिक्टिव है, जैसे अभी आपको क्या है भगत सिंह को क्या बोलता है फ्रीडम फाइटर ना, उस समय ना जब वो एक्चुअल में जिंदा था तब उसको भी आतंकवादी बोलते थे, हाँ क्योंकि तब तो न्यूज कौन बना रहा था, हाँ अभी सरकार न्यूज बता रही है तो हमेशा जो भी सरकार के अगेंस्ट लड़ेगा वो आतंकवादी ही होगा ना, चाहे वो सही के लिए लड़ रहा है चाहे गलत के लिए लड़ रहा है, वो सरकार क्योंकि न्यूज दे रही है तो सरकार उसको आतंकवादी ही बोलेगी, समझ रहे। कल को तुम अपना गांव में अगर मान लो 10 एक छोटा सा ग्रुप अपना लोगों का 50 लोगों का ग्रुप कल ले गया और तुम पुलिस से लड़ क्योंकि पुलिस ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया तो तुम लोगों को न्यूज में आतंकवादी बोलेगा, तुम फ्रीडम फाइटर नहीं होगा, हालांकि चाहे तो बिल्कुल सही चीज के लिए लड़ रहा है लेकिन न्यूज में बोलेगा ये आतंकवादी है। ये सब शब्दों को समझना बहुत जरूरी है कि कौन ये लेबल दे रहा है, जैसे आपको पता है आदिवासी भी ट्राइबल्स वो बाहर से आ रहे हैं ये शब्द, ठीक है TROPRRISC इंसर्जेंसी जो अपने देश का जो नागरिक कर रहा है, जैसे जो आप माओवादी नक्सल बोलता है क्या है ये चीज, माओ बेसिकली चाइना का एक पॉलिटिशियन था पता है आपको, माओ माओ से लाओ हाँ, माओ नक्सल एक ही मान लो फिलहाल के लिए, माओ बेसिकली है क्या, नक्सलिज्म है क्या, एक मूवमेंट ना मूवमेंट समझता है, एक संघर्ष का एक तरह का, ठीक है सात लोग मिलके, जैसे कि बंगाल में एक छोटा सा गांव था नक्सल करके नक्सल बाड़ी, तो वहां पे कुछ लोग जो जमींदार वगैरह गांव में जमींदार उनको तंग कर रहा था, उनके औरतों को रेप करके ले जाता था, उनके पैसा वैसा ले लेता था, उनको वो सब तंग कर रहा था, तो वहां का लोग गांव वाला एक साथ होके गन्स वगैरह लेके जमींदारों को मार दिया, उसके बाद पुलिस पुलिस आई बचाने के लिए जमींदारों को तो उनको भी मार दिया, तो लड़ ये लोग लड़ किसके लिए रहते हैं, सही चीज के लिए लड़ रहे अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन ये लोग क्या बन गया क्यों, क्योंकि कौन लेबल कौन दे रहे हैं इनको, सरकार बाहर से जो पावर में है या तो जमींदार या फिर जो सरकार
वो इसलिए टेररिस्ट है, यही हो रहा है अभी छत्तीसगढ़ बस्तर एरियाज में भी यही हो रहा है। कुछ कुछ जगह जो है गांव है वहां के लोगों को, अब आजकल क्या है जमींदार की जगह कंपनीज आ गए, जैसे नियमगिरी का बात किया था याद है, नियमगिरी नियम हाँ बॉक्साइट लेने के लिए वहां फैक्ट्री बन रहा है, तो वैसे ही वहां पे भी जो जंगल ये सब एरियाज है कई वहां पे आके कंपनीज और सरकार वो सब हटाना चाहती है, वहां के लोगों को भगाना चाहती है क्योंकि वहां पे बॉक्साइट है आयरन है ये सब चीज है। तो ये लोग क्या कर रहा है जो नक्सल या माओ ये लोग है, ये लोग अब देखो उनका भी अपना प्रॉब्लम है, वो लोग भी काफी कुछ हिंसा कर रहे हैं लोगों को तंग कर रहे हैं, लेकिन उनका आइडिया ये है कि वो ये सब रोकना चाहता है, गरीब लोगों के लिए लड़ना चाहता है सरकार के अगेंस्ट, लेकिन क्योंकि सरकार के अगेंस्ट लड़ रहा है तो क्या बन जाता है। हाँ वैसे ही जैसे मैं बोला भगत सिंह अपने टाइम में क्या था टेररिस्ट, अभी आप फ्रीडम फाइटर बोल रहे हैं उस समय तो उसको टेररिस्ट मानते थे, ये सब चीजें बहुत जरूरी है समझना ठीक। नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे आजकल हम कुछ भी कर देते हैं, यानी वो असल में जो यहाँ पे नहीं गया है, जो बंगाल में नहीं गया, जो छत्तीसगढ़ में नहीं गया, जो कालाहांडी में नहीं गया है, दिल्ली में बैठ के न्यूज पढ़ेगा तो उसको लगेगा हाँ कि आतंकवादी आ रहा है वहां पे लोग अच्छा है सरकार मार रहे हैं, लेकिन जो लोग यहाँ पे असली में गाँव वाले रह रहा है उनको सच पता है कि क्या हो क्या रहा है, वहां पे सरकार तंग कर रही है कि ये लोग नक्सल वाला तंग कर रहे हैं, आर्मी तंग कर रहे हैं, आर्मी भी बहुत कुछ गलत काम करता है ठीक है, बस वो हम तक पहुंचता नहीं है क्योंकि न्यूज कौन कंट्रोल कर रहा है, गवर्नमेंट और अमीर लोग, तो उन्हीं के बारे में न्यूज आएगा ठीक। जो बार बार मैं बात करता है ना कि क्या जब तक शिकारी कहानी लिखेगा क्या होगा विलेन कौन होगा शेर है ना, वही बात बार बार आ जाता है। तो बेसिकली वही पॉइंट है बार बार कि आजकल ये जो आप न्यूज में पढ़ रहा होगा ये एटीट्यूड आ रहा है कि देश पे कुछ सवाल नहीं उठाना है आदमी पे कोई सवाल नहीं उठाना है, ये गलत है, बस इतना बोल रहा हूँ, हर चीज पे सवाल उठाना है। वैसे ही लॉ पे बात करते हैं, लॉ पे हम पहले भी बात किया, लॉ क्या होता है नियम, हाँ नियम क्या होता है ठीक है, जो एक सिस्टम है रूल्स का, बहुत सारे रूल्स का एक सिस्टम है जिसके हिसाब से इंसान को जीना चाहिए एक देश के है ना, तो लॉज अच्छे भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है, लॉ हमेशा अच्छा नहीं होता है। जैसे कुछ दिमाग में आ रहा है कुछ बुरा लॉ, इंडिया में छोड़ो जैसे तालिबान सुना है, तालिबान अफगानिस्तान में जो टेररिस्ट आया वो भी छोड़ो ठीक है, इंडिया में बात करता है एक समय था जब क्या कास्ट सिस्टम भी लॉ था इंडिया में है ना, रिलीजियस लॉ था, लोग कास्ट वर्ण समझ गया नहीं, हाँ तो वो भी एक तरह से पहले लॉ था ना, नियम था, रिलीजियस नियम था, एक सामाजिक नियम था, सरकारी नियम नहीं था लेकिन सामाजिक नियम था, हाँ वैसे क्या सती तो नियम था, स्लेवरी नियम था एक समय पे अमेरिका में, क्या स्लेवरी था अफ्रीका से लोग दास बना के ले जाता था वहां काम करने के लिए फैक्ट्रीज में, तो ये सब तब नियम था यानी ये अलाउड था, ये सब धीरे धीरे फिर टाइम बदला और ये नियम फिर चेंज हुआ है ना, तो ये बहुत जरूरी है कि हाँ, तो बेसिक पॉइंट ये कि लॉ भी गलत हो सकता है, इस पे भी सवाल उठाना चाहिए, अगर इस पे सवाल नहीं उठाएंगे तो कभी नहीं बदलेगा लॉ, लॉ पे सवाल उठाएंगे तभी अगर हो सकता है, अभी कुछ गलत कोई नियम है जिससे लोगों का बुरा हो रहा है, अगर आप लोग सवाल उठाएंगे तभी उससे नया कुछ नियम आ सकता है, जैसे आपको एग्जांपल देते हैं काफी, अभी इंडिया में नियम कौन बनाता है, गवर्नमेंट लेजिस्लेचर है ना जिसको बोलते हैं पार्लियामेंट, तो और उसमें क्या मीडिया भी काम करते हैं, मीडिया क्या न्यूज जो देता है मीडिया, टीवी हो गया न्यूज़पेपर हो गया, ये लोग गलत लॉस को बताते हैं कि ये कुछ यहाँ प्रॉब्लम है यहाँ सही है। आरटीआई सुने आपने, आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन सूचना का अधिकार है ना, तो एक नया लॉ बना था कुछ साल पहले, आई थिंक 7-8 साल पहले ये नया कानून बना था जिसके हिसाब से आप किसी भी सरकारी ऑफिस से कुछ सवाल उठा सकता है
इसके बारे में जानते हैं आप? अच्छा ये बहुत, एक आप लोगों को एक सिंपल होमवर्क दे रहे हैं, अगली बार जब भी कंप्यूटर क्लास में जाते हैं, हाँ कल जाओगे तो आरटीआई के बारे में गूगल सर्च करके अगले क्लास में मुझे बताना। तुम हर बार ढूंढ रहे, इससे पहले भी एक असाइनमेंट दिया था ट्राइब पे, रिजर्वेशन पे कोई नहीं दिया मेरे को, हाँ रिजर्वेशन पे एक क्वेश्चन दिया था, असाइनमेंट दिया था, कोई नहीं दिया। ये लेकिन जरूर करना, ये बहुत काम का चीज है। आरटीआई एक बहुत शक्तिशाली पावरफुल टूल हमको मिला है जिससे हम सरकार पे सवाल उठा सकता है। कुछ तो सिस्टम होना चाहिए जिससे हम सरकार पे सवाल कर सकता है। तो कोई भी, अगर आपको कल को पंचायत ऑफिस या तहसील ऑफिस या किसी भी ऐसे भी सवाल उठाने हैं वीडियो से कि जैसे ये रोड क्यों नहीं बना अभी तक, तो आप आरटीआई के थ्रू से सवाल कर सकता है और उनको बताना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। तो ये बहुत एक जरूरी है, आपको ये असाइनमेंट है, आपको इंटरनेट से ढूंढ के ये बताना है हाउ टू फाइल एन आरटीआई एप्लीकेशन। आरटीआई एप्लीकेशन कैसे डालना है, हाँ फाइल, फाइल एंड आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन है, ठीक है। लास्ट एक को बात करता है, एक हमने पहले बात किया लॉ ऑन पेपर और इन प्रैक्टिस, मतलब लॉ ऑन पेपर एंड लॉ इन प्रैक्टिस, मतलब मतलब क्या हुआ ना, ये तो ठीक है ट्रांसलेट कर दिया तुमने, माने जैसे कोई एग्जांपल दो, अरे इससे बात किया था ना कि पेपर में क्या लिखा है, कोई किसी को मारेगा तो क्या होगा, जेल जाएगा। असल में क्या होता है, हाँ पैसा दे देगा, पिला देगा, छूट जाएगा। तो यही डिफरेंस लॉ ऑन पेपर इन प्रैक्टिस है ना, किसी का मर्डर कर दिया क्या होना चाहिए, जेल होना चाहिए या फिर फांसी होना चाहिए, लेकिन क्या होगा, हाँ पैसा खिला दिया, कुछ कर दिया, इन प्रैक्टिस फ्री है ना, ठीक। लास्ट एक बात है, लास्ट पॉइंट पॉलिसी और इंप्लीमेंटेशन, पॉलिसी यानी प्लानिंग, POLICY, पॉलिसी वर्सेस इंप्लीमेंटेशन, IMPLEMENT। तो इसका मीनिंग आप देखना, IMPLEMENTATION, मतलब यानी प्लानिंग, और प्लानिंग को कैसे, असल में उस प्लानिंग को कैसे काम किया जाएगा है ना। जैसे प्लानिंग तो खूब कर सकते हैं ना, जैसे यहाँ पे क्या प्लानिंग कर देगा आप लोग, मान लो विनीत सर जानता है ना सब, विनीत विनीत खूब प्लानिंग करता है कि यहाँ पे स्कूल ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, अच्छा सा चार्ट बना लेता है यहाँ पे, ऐसे ऐसे करके ये वो खूब नंबर डाल के 19, ये 5 साल में ऐसे हो जाएगा, 2 साल में ऐसे हो जाएगा, 1 महीने में ऐसा हो जाएगा। लेकिन करने वाला कौन है यहाँ पे, वो काम असल में कैसे होगा, चार्ट पेपर बनाना आसान है ना, प्रेजेंटेशन तो बना दिया अच्छा अच्छा नंबर लिख के, लेकिन असल में कौन करेगा, प्रॉब्लम क्या होता है, असल में कौन है यहाँ पे करने के लिए, देखा आप लोगों ने काम होता है नहीं होता है यहाँ पे ज्यादा, मैं भी देख रहा है इतने टाइम से। तो वो एक पॉलिसी एक चीज है, पॉलिसी काम नहीं होता है, सरकार का भी यही प्रॉब्लम हो रहा है, सरकार खूब पैसा देके पॉलिसी प्लानिंग बहुत अच्छा बनाता है, ये करेगा वो करेगा वो करेगा, लेकिन जब तक वही रोड और एग्जांपल, जब तक पीएम से जो प्लान बनाया, जब तक वो यहाँ तक पहुंचेगा उड़ीसा तक, तब तक सारा पैसा बीच में चला जाता है और प्लानिंग इधर उधर हो जाता है, यही प्रॉब्लम है, ठीक है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम देश का यही है, पॉलिसी और इम्प्लीमेंटेशन के बीच में जो गैप है, और ये हर चीज में रहेगा, एजुकेशन में है चाहे किसी भी चीज में। आपको एक एग्जाम्पल देता है, इंडिया के एजुकेशन में एक NCF करके चीज है डॉक्यूमेंट, उसके हिसाब से होना चाहिए, बहुत अच्छा चीज लिखा है उसमें कि बच्चों को ये मिलना चाहिए, बच्चों को वो मिलना चाहिए, बच्चों को एकदम टॉप का एजुकेशन मिलना चाहिए, ये सब मिलना चाहिए।
लेकिन असल में आपने देखा क्या हालत है गवर्नमेंट स्कूल का, टीचर नहीं आता है, आधा टाइम का टीचर ही नहीं होगा और बाकी है ना, वैसी बहुत प्रॉब्लम है हर चीज में। स्वच्छ भारत का बात करते हैं आप लोग, है ना, स्वच्छ भारत प्लानिंग बहुत है असल में। एक बहुत सिंपल बात पूछते हैं लास्ट, 2014 में बीजेपी प्राइम मिनिस्टर मोदी बन गया था ना प्राइम मिनिस्टर, तो पिछले 3 साल में आपने अपने जीवन में कुछ आसपास कुछ बदलाव हुआ देखा है, कुछ चेंज देखा है? हाँ, मनी आया तुम्हारे पास? लेकिन असल काम करना बहुत अलग बात है। न्यूज में मैं आके बोलेगा कि बहुत ही मैं बच्चों को ये कर दिया वो कर दिया एकदम बदल दिया है, लेकिन असल में आपको पता क्या है? ठीक,